नमस्कार। शाम के 5 बज चुके हैं। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। देश में कोरोना ने जब से दस्तक दी है, सभी स्टेट में जिस तरह से बुरे हालात हैं, वहीं बात करते हैं यूपी स्टेट की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कई जिलों में सामान्य स्थिति है। वहीं जहाँ सामान्य स्थिति थी, जिन जिलों में, जो जिले ग्रीन जोन में रखे गए थे, वहां भी कोरोना ने दस्तक दी है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि आगरा में भी दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं प्रशासन पूरी तरह दिन रात लगा हुआ है कि कैसे न कैसे इस चैन को तोड़ा जा सके। और वहीं यूपी के कौशाम्बी जिले की बात करें तो वहां के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा और एसपी अभिनंदन सिंह लगातार लोगों को इस कोरोना वायरस से बचाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत में लगे हैं। वहीं लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। आज वहीं एसपी अभिनंदन सिंह और जिलाधिकारी कौशाम्बी मनीष कुमार वर्मा रोडों पर अनाउंसमेंट करते नजर आए। वहीं लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने है तो जागरूक करते हुए नजर आए। वहीं आपको बता दें कि धारा 144 भी लागू है। और वहीं लोगों को लगातार जागरूक करने में लगे हुए हैं जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा। मनीष कुमार वर्मा हर हर बार अपने कार्य को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं। वहीं कई ऐसे कार्य उनके रहे हैं कि काफी चर्चा में रहे हैं। जिलाधिकारी कौशाम्बी मनीष कुमार वर्मा, जी हाँ, काफी उनके सराहनीय कार्य रहे हैं जो उससे पहले भी आपको हमने दिखाए हैं। और एक बार फिर जिस तरह से जिले में इस तरह सामान्य स्थिति बनाने को लगे हुए हैं और लगातार अपने जिले को बचाने के लिए लोगों को अपील की जा रही है कि इस कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से बचें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और वहीं सड़कों पर भी, रोडों पर अनाउंसमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से आपको हम दिखा रहे हैं कि अनाउंसमेंट कर रहे हैं और एसपी अभिनंदन सिंह, जिलाधिकारी, अपनी मैं पूरे प्रशासनिक टीम और लोगों को जागरूक करेंगे अपने जिले को उससे बचाने के लिए। और काफी प्रयास उनका चल रहा है। एक बार फिर एक अच्छी कार्य उनका देखा जा रहा है, जो अब तक कार्य देखा जा रहा था, फिर से एक और बार वो अपने कार्य को, इन अच्छे कार्य को दिखाते हुए एक बार फिर चर्चा में है। जिस तरह से और जिलों की हालत है, उससे बेहतर कौशाम्बी जिले की हालत काफी नॉर्मल है। और वही इस तरह से चलता रहा, अगर ऐसे ही सिस्टम सभी जिलों में बनाया जाए तो काफी सामान्य स्थिति हो जाएगी और हमारे इस कोरोना जैसे भयानक वायरस से छुटकारा मिल जाएगा और हमारा देश सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए आप सभी इस कोरोना वायरस से बचने के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। आपको बता दूं कि आज बृहस्पतिवार को डीएम मनीष कुमार वर्मा व एसपी कौशाम्बी अभिनंदन सिंह द्वारा व्याप्त कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम हेतु तो लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने एवं जनपद में व्यवस्थाओं का जायजा लेने हेतु तो मंजनपुर व भरवारी नगर पंचायत में भ्रमण कर लॉकडाउन का जायजा लिया गया और अनाउंसमेंट के द्वारा लोगों को कोरोना वायरस के बचाव के तरीके बताए। तो ये इस तरह का वायरस है कि पता नहीं चलता है कि किसके शरीर में है, किसके शरीर में नहीं है और कहाँ पे है, ये भी नहीं पता चलता है। ठीक है, आप में से 150 लोग हैं, 150 में से किसके शरीर में कोरोना का वायरस है हमें नहीं पता है। ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़े से मजबूत हैं, मेहनत का साथ भी है, मजदूर। अभी कोशिश करें कि वो जो 50 साल 55 साल से ऊपर के लोग हैं वो घर से बाहर आपके घर में आपके पिताजी उनसे माता जी ने क्या अंदर उनको घर से बाहर कोई बहुत ही इमरजेंसी हो आपको जाना हो आप जाके सामान ले जाइए और जब बाहर से जाके अंदर जाइए। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।